पास है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आज मेरे पास इतनी अच्छी संगति है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज संसार में कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु संसार में खोए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, पर हाँ प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम यहाँ पाए जाते हैं और हम आपकी स्तुति आराधना बहुत तरह से करने पाते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ करते हैं भविष्य में स्वर्ग राज को खोल प्रवेश में से और वहां से अपने आशीष को भविष्य हमारे लिए दे कि हम प्रवेश से आपकी बहुत अधिकाई भविष्य में से आपके आराधना स्तुति भविष्य से आत्मा में करने पाए। भविष्य में से हमसे जो कुछ भी भविष्य में से भूल चूक हुई भविष्य में से चाहे हम चाहने में प्रवेश हमें अपने बहुत लघु समय दोष पवित्र कर भविष्य में से और भविष्य में से अपने अधीन कर भविष्य में से बिना पवित्र आत्मा आप हमें लिए चल जैसा आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हैं कि हम बढ़े उस मार्ग पे जो सीधा मार्ग प्रवेश जो आपके स्वर की ओर ले और उस मार्ग हमें ले चल पवित्र आत्मा। हर एक बातों का नियंत्रण प्रवेश मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं और ये छोटे से दुआ यीशु मसीह नासिक नाम से मांगते हैं। सुनिए स्वर राज में ग्रहण करें। आमेन। आमेन। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे लाइफ में भी मेरा यू टर्न हुआ और कल ऐसा हुआ कुछ कि कल एम्बेसडर मीटिंग था यहाँ पे और उसमें क्या हुआ कि हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, भाई सैमुएल पॉल हमारी प्रार्थना में अगुवाई कर रहे थे और सब अपनी जगह पे प्रार्थना कर रहे थे और मैं भी प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं आपकी संगति में आप बढ़ूँ और अधिक आपके प्रेम में बढ़ते जाओ प्रभु। बहुत बार ऐसा होता है कि सांसारिकता की बातें मुझे अट्रैक्ट करती है और उस पर मैं अट्रैक्ट हो भी जाता हूँ, पर प्रभु ऐसा ना हो, आप मुझे आशीष दीजिए, अपने ब्लेस कीजिए कि वो सारी बातें मुझे अट्रैक्ट ना करे और यही सारी प्रार्थनाएं मैं कर रहा था और उसी बीच भाई सैमुएल पॉल वो जगह जगह जाके प्रार्थना कर रहे थे, वो मेरे पास भी आए, मुझे तो पता नहीं चला और बाद में मेरे भाइयों ने मुझे बताया और उन्होंने मेरी प्रार्थना की और निश्चित रूप से प्रार्थना होने के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक अद्भुत आशीष जो है वो मुझे ब्लेस कर रही है, एक भरपूर आनंद जिसका मैंने एहसास पहले नहीं किया था बट कल मैंने किया उसको। उस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने सेवा के द्वारा मुझे ब्लेस किया और निश्चित रूप से मेरे लाइफ का यू टर्न हुआ। तो क्योंकि परमेश्वर का प्यार बहुत ही अद्भुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा परमेश्वर का प्यार सागर से गहरा है। Save me.
तब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर को हम लाइव नहीं देख रहे हैं, ना ही हम उसको यहाँ पे प्रेजेंट है, बट हम लोग देख नहीं रहे हैं लाइव, बट हमें पता है कि वो यहाँ है। और विश्वास भी ऐसा ही है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और हम इसी विश्वास के साथ ही यहाँ आते हैं कि प्रभु है, और हम विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ हमारे बीच में है और हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। और इसी विश्वास के साथ परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। और मैं चाहता हूँ जब हम लोग आराधना करें तो आप लोग
आवश्यक है, या हमारे जरूरी है प्रभु यीशु। हम कीचड़ में थे, दलदल में थे प्रभु यीशु। आज संडे ऐसे ही वेस्ट हो जाता प्रभु, चाहे हम घर में रहते, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते, या कोई ऐसी बातों को करते जिससे आपको महिमा नहीं मिलती प्रभु। पर प्रभु यीशु, उन सब बातों से आपने हमें बचाया है प्रभु यीशु, उन सब बातों से आपने हमें छुड़ाया है प्रभु यीशु, और आप हमें यहाँ लेकर आया है सुंदर संगति को देने के लिए प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद, आपकी उपस्थिति को देने के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद। हम सभी भाई बहन, यहाँ जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं प्रभु यीशु, उन सबको यहाँ पे आप लेकर गए हैं, आप चुने प्रभु यीशु, इस बात के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हैं प्रभु यीशु और आप हमारे हैं प्रभु यीशु। सिर्फ आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप उस महिमा, उस आदर के योग्य है प्रभु यीशु जी। हे प्रभु यीशु, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो धूल समान है प्रभु, फिर भी प्रभु आप हमें अपने हथेलियों में आप रखते हैं प्रभु, आपने अपने हथेली में हमारा नाम लिखा है प्रभु यीशु जी। इससे बढ़कर प्रभु यीशु और प्रेम जो आप हमारे दिखाते हैं प्रभु, इससे बढ़कर प्रेम और क्या होगा प्रभु, कि आपने हमारे अपने बलिदान के प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया प्रभु, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह, और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला प्रभु। आपका धन्यवाद है प्रभु सभी बातों के लिए प्रभु यीशु। हे प्रभु, निश्चित रूप से हम आपके प्रेम में बढ़ने पाए प्रभु यीशु, आपके और अधिक निकट आने पाए प्रभु यीशु मसीह। अब कोई भी बातें हमें पीछे ना खींचे प्रभु, बट हर एक बातों में आपकी अगुवाई हमें मिले प्रभु यीशु। सारी महिमा, सारी स्तुति और सारा आदर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। और इस छोटी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए अवसर के राज्य में बहन कीजिए।